एक सीक्वेंस एक्स एन आपको डिफाइन करी गई है जो कि रियल सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म वन है और अपकमिंग टर्म्स एक्स एन प्लस वन आप फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से ये ट्रू है सभी एन जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ अगर ध्यान दें तो सिक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नॉट कन्वर्जेंट और बाउंडेड तो सबसे पहले हम इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इसका मोनोटॉनिक नेचर जान लेते हैं फर्स्ट टर्म हम तो हमें पता ही है अगर मैं यहाँ से x2 निकालता हूँ तो क्या होगा एक्स टूल्स टू वन प्लस अंडर रूट एक्स वन और x1 की वैल्यू वन आ जाएगी तो यहाँ पर वन प्लस वन टू आ गया है यानी कि x1 वन इज लेस देन एक्स तो डिक्रीजिंग वाला मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाता है और मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग वाले की अभी पॉसिबिलिटी है अभी हम कन्फर्म नहीं कर रहे हैं पॉसिबिलिटी है सिक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट और सिक्वेंस इज नॉट बाउंडेड तो हम गिवन सिक्वेंस की लिमिट मान लेते हैं कि सिक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट यानी कि एक्स एंड एल को टेंस कर रहा है तो यहाँ से अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ एल इक्वल्स टू वन प्लस अंडर रूट एल और मैं वन को ट्रांसपोज कर लेता हूँ

यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री स्क्वेयर माइनस फोर ए सी यानी कि ए का वैल्यू भी वन है और सी का वैल्यू वन है तो नाइन माइनस फोर इक्वल्स टू फाइव पॉजिटिव है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे क्योंकि टर्म्स क्या है पॉजिटिव हैं ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव तो लिमिट भी इसकी पॉजिटिव होगी एल मस्ट बी पॉजिटिव यानी कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है लेकिन ऑप्शन सी में कहा गया था कि नॉट कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड अगर इस कंसेप्ट को यूज करते हैं तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाता है अब जो ऑप्शन ए हमारी पॉसिबिलिटी थी अब ये कन्फर्म हो जाता है